और आप भी बड़े बच्चे प्रत्येक अपनी अपनी बोली बोल रहा है, इसे देखो वही देश के दम तक बोल रहा है। ना तो काल से डरते हो या मेरा मन तक बोलते हो, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अब इस युद्ध से मैं किसी भी सूरत में बाज नहीं रह सकता। जिसे भी काल का खौफ हो तुरंत यहाँ से निकल जाए, उसे मनाने या जाने मेरी बला से जाए। तब तक मेरे हाथ में तलवार है, किसी से तब तक या डर कर रहना मेरे लिए खतरा है। आश्चर्य तो इस बात का है, एक आवारा गर्द झुंड से इतना है जिसके पास एक वक्त छोड़ने का समय तक नहीं है। नाना जी छोड़े ईमान है, जीत की तो सारी दुनिया है, मगर एक वीर के जीने में भी सम्मान है और मरने में भी सम्मान है। महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम उन उन्मासियों की छाती तोड़ देंगे और उनका लहू नहीं तोड़ देंगे। महाराज आज उन उन्मासियों की ईट से ईट लगा देंगे और उन उन्मासियों का लहू निकाल लगा देंगे। महाराज हम तो उन उन्मासियों की तलवार भी खोस लाए। पिताजी आज का युद्ध का संचालन मुझे दिया गया, स्वयं युद्ध में जाता और एक दिन में सबकी मिट्टी ठिकाने लगा। परंतु जब तुम कहते हो तो आज मैं युद्ध का संचालन मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ और अच्छी खबर देता हूँ। मैं वो नेता हूँ, फरस्ते बादलों की बरसात रोकता हूँ, फरस्ते बादलों की रफ्तार रोकू, चलते फोन की रफ्तार रोकू, बहते गंगा की धार रोकू।